प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये हिंदू। एक है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट और इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से अकाउंटिंग में आप जो भी एसेट्स की रिकॉर्डिंग करेंगे, होगी तो मनी टर्म्स में, अकाउंटिंग में जो भी एसेट्स की रिकॉर्डिंग करनी है वो होगी तो मनी टर्म्स में है, मगर किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। अब और से क्लियर हो रहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट पे परचेज करी होगी, जिस कॉस्ट पे आपने परचेज करा होगा वो एसेट, उसी कॉस्ट को उसकी रिकॉर्डिंग होगी, ना कि उस कॉस्ट पे होगी या उस वैल्यू पे होगी जो उसकी आज की डेट में है। हम किस वैल्यू पे करेंगे, जिस वैल्यू पे हमने परचेज करा था, ना कि उस वैल्यू पे जो उसकी आज की डेट में कीमत है, ठीक। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल इज सेड दैट एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस कैसे निकाला जाता है, परचेज प्राइस कैसे निकालते हैं, व्हिच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस एक्सेट्रा, और भी जो खर्चे हुए हैं फॉर मेकिंग दी एसेट्स रेडी टू यूज। एसेट्स को यूज करने से पहले तक जितने भी खर्चे होंगे एसेट के, वो सारे हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज आपने मशीनरी परचेज करी जिसकी वैल्यू है 40 लाख रुपीज, मशीनरी की खाली वैल्यू 40 लाख रुपीज है, मशीनरी की तो वैल्यू आपकी 40 हो गई। अब उसको आप तक पहुंचने में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया वो 10,000 आ गया, और उसको फिर इंस्टॉल करवाने में 20,000 आ गया। अब रिकॉर्ड कितने पे करें, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल यही समझा रहा है कि रिकॉर्ड कितने पे करें, 40 पे या उसमें ये वाला खर्चा भी इंक्लूड करें। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स इज 40 लाख प्लस 10,000 प्लस 20,000। देखा, परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, और परचेज प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस एक्सेट्रा, और भी खर्चे किए रेडी टू यूज तक पहुंचाने के लिए। तो ये टोटल में तीन खर्चे होंगे, तीनों को जोड़ के जो बुक्स में रिकॉर्ड होगा वो कितने होगा, 40,30,000। तो जो आप बुक्स में जो मशीनरी की वैल्यू रिकॉर्ड करोगे वो 40,30,000 पे करोगे, ना कि 40 लाख। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात में क्लैरिटी आई कि मशीन के अलावा कोई और भी एसेट होगा, आप वो रिकॉर्ड उतने भी करोगे जितना उसका टोटल, एक तो उस एसेट का खर्चा प्लस उसकी ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन फ्राइट एक्सेट्रा जो भी आपने पे करा है वो सब जोड़ के जो खर्चा आएगा उस पर रिकॉर्ड करोगे। आपने जनरल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज आपने कार ली जिसकी वैल्यू है ₹8,00,000। अब आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन का खर्चा सपोज आया ₹1,00,000। अब उसके बाद उसका आप इंश्योरेंस कराएंगे, सपोज इंश्योरेंस का जो खर्चा आया एक्सपेंस आया वो आ गया आपका 20,000। तो आप बुक्स में जो कार की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे वो किस पे करते हैं, 8 लाख रुपए की ली है, नहीं, आप क्या कहते हैं 8 लाख प्लस 1 ₹1,00,000 जो रजिस्ट्रेशन खर्चा है प्लस 20,000 इंश्योरेंस का। तो आप जो बुक्स में उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं वो कितने करते हैं, 8 प्लस 1 प्लस 20 9,20,000 पे करते हैं। आप अगर किसी को कार की वैल्यू बताते हैं तो आप कितने कहते हैं, जब आप उसको पूछता है कि आपको कार कितने की पड़ गई तो आप ये नहीं कहते कि 8 लाख रुपीज की पड़ी है मेरे को, आप कहते हैं 9,20,000 की कार पड़ी है। ऐसा क्यों कहते हैं, इसी वजह कि वो वाले भी तो सारे खर्चे उसमें जोड़ूंगा ही, ऐसा खर्चे अलग से किए, वो भी तो उस एसेट को यूज में लाने के लिए जो खर्चे हुए हैं वो सारे उसमें हम जोड़ देते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने एसेट को रेडी टू यूज लाने तक के लिए जितने खर्चे करे होंगे वो सारे उसमें जुड़ जाएंगे और वही उसमें रिकॉर्ड होंगे। एक और मतलब भी है इस कॉन्सेप्ट का, तो ये बात होगी। अब हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में से एक और काम भी होता है कि सपोज कि जो आपने 40,30,000 की मशीनरी आपकी आई, सपोज उसकी एक साल के बाद वैल्यू हो जाती है 50 लाख, तो अब मैं 50 लाख पे रिकॉर्ड करूं या 40,30,000 पे रिकॉर्ड रहने दें। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ये भी कह रहा है कि वो जो कॉस्ट जिस पे आपने परचेज करा था वही रिकॉर्ड होगी बुक्स में, भले उसकी वैल्यू कल चुकी मर्जी पड़ जाए आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और ये अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन भी है,
कि हम मार्केट वैल्यू पे एसेट को रिवॉर्ड नहीं कर सकते, इवन उसकी वैल्यू जितनी मर्जी बढ़े, ये ऐसा लाइन के साथ ही होता है, ठीक। तो बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल इट विल बी रिकॉर्डेड एट रुपीज 40,30,000 इवन इफ इट्स मार्केट वैल्यू राइजेस टू रुपीज 50,00,000। अगर 50,00,000 की उसकी मार्केट वैल्यू पहुंच गई तब भी आप 50,00,000 का रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप जो रिकॉर्ड करोगे वो 40,30,000 पे करोगे, ना कि इस पे। अब लोगे सर हर साल 40,30,000 पे होगी उसकी वैल्यू गिरेगी नहीं, ये तो हमें पहले से ही पता है कि जब कोई एसेट यूज करते हैं तो यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू गिरती है एंड बाय टाइम भी उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है। तो वो कैसे रिड्यूस करते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके, हमने पहले जाना था डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो हर साल मशीनरी में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी और जितना जितना डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता जाएगा उतनी उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, वो रिकॉर्ड करें। मगर जो फर्स्ट अमाउंट जो आप रिकॉर्ड करोगे वो ये करोगे ना कि ये करोगे, ठीक। और ऐसे ही कैलकुलेट होता है। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल समझ आ गया। इसके बाद जो आपका सेवंथ नंबर प्रिंसिपल है वो है मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं और जो इनकम है वो मैच करने चाहिए इन अ पर्टिकुलर पीरियड। आपके जितने एक्सपेंस और इनकम मैच करने चाहिए इन अ पर्टिकुलर पीरियड। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जितने खर्चे करे उतनी इनकम होती है, हम ये नहीं कह रहे कि जितने आपके एक्सपेंस हुए हैं उतनी इनकम हो। यहां पर टाइम पीरियड की बात चल रही है। एग्जांपल के तौर पे ईयर से समझते हैं, सपोज आप 2021 की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 2021 की करंट ईयर की जो आपकी रिकॉर्डिंग हुई है, 2021 की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप, ठीक। अब आपने एक्सपेंस भी करे होंगे, इनकम भी करे होंगे, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की वजह से आपको इतना पता है कि जो आपने रिकॉर्डिंग करनी है वो 12 मंथ्स की करनी है। तो 12 मंथ्स की एक्सपेंस रिकॉर्ड होने चाहिए और 12 मंथ्स की इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए। यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कर रहे हैं कि अगर आप इनकम 12 महीने की रिकॉर्ड कर रहे हो तो खर्चे भी कितने महीने के रिकॉर्ड करोगे, 12 महीने के, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने महीने की हमें ये तो पता है कितने महीने की रिकॉर्ड करनी होती है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में पता चल गया था कि 12 महीने की आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है, 1 ईयर की रिकॉर्डिंग होती है। इनकेस अगर आपने वाली वीडियो ना देखी हो तो ऊपर सजेशन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप वाली एक बार वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो वो कह रहा था कि 12 महीने की रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि खर्चे भी 12 महीने के चढ़ेंगे और इनकम भी 12 महीने की चढ़ेगी, भले वेदर पेड और नॉट, भले वो जो आपने एक्सपेंस पे करे हो भले ना करे हो, रिकॉर्डिंग 12 महीने की करोगे आप, और भले जो आपकी इनकम है वो भी 12 महीने की रिकॉर्ड होगी, वेदर रिसीव और नॉट, भले आपको आई है रिसीव हुई है नहीं हुई है उससे कोई मतलब नहीं हमारा, हमने 12 महीने की रिकॉर्डिंग करनी है इसकी भी और 12 महीने की इसकी, तभी मैच होगा। मैचिंग क्या कहता है, दिस मतलब एक्सपेंसेस एंड इनकम शुड बी मैच इन अ पर्टिकुलर पीरियड। 12 महीने की रिकॉर्ड कर रहा हूं 12 महीने की करूंगा, 11 महीने कर नहीं सकता अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल को लेकर जाएगा, ना 13 महीने कर सकता हूँ, तो दोनों 12-12 महीने की रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट की बात नहीं चल रही है, सिर्फ टाइम की बात चल रही है, ठीक। इसके एक एग्जांपल सुनो, सपोज आपकी कंपनी और आप सैलरी जो देते हैं वो 1 जनवरी से 31 जनवरी की जो देते हैं वो नेक्स्ट मंथ की 7th को, मतलब जनवरी जब महीना खत्म होगा तो महीने के एंड में नहीं देंगे, नेक्स्ट मंथ के फैमिली देंगे 7th को, ठीक। अब इससे लास्ट मंथ में इशू क्रिएट होगा, जनवरी में नहीं होगा, फरवरी की मार्च में चली जाएगी, सेम ईयर है नो प्रॉब्लम, मार्च की अप्रैल में चली जाएगी, अप्रैल की मई में, मई की जून में, जून की जुलाई में, जुलाई की अगस्त में, अगस्त की सितंबर में, सितंबर की अक्टूबर में, अक्टूबर की नवंबर में, नवंबर की आपकी जाएगी दिसंबर में। तो अगर आप देखिए तो जनवरी से लेकर नवंबर तक की 11 महीने की आपकी सैलरी जा चुकी है। अब दिसंबर में बात आती है, जब दिसंबर आपका एंड होगा तो उसकी सैलरी तो हम नेक्स्ट मंथ देते हैं, मतलब जनवरी 7th को देंगे, मगर माय इशू क्रिएट हो रहा है कि आपका ईयर कब एंड हो रहा है, आपका जो ईयर एंड हो जा रहा है वो तो 31 दिसंबर को एंड हो जाएगा, स्टार्ट कब हुआ था 1 जनवरी को, और यहां से यहां तक 12 मंथ हो जाते तो वो तो 31 दिसंबर को एंड हो जाएगा, मगर आप जो इसकी सैलरी दोगे वो 7 जनवरी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर अगर इसके हिसाब से भी लगाएं तो 2022 में दोगे आप,
आपकी सैलरी तो नेक्स्ट ईयर में देने वाले हो, तो अगर मैं 2021 की अकाउंटिंग कर रहा हूं, अगर 2021 की अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ जनवरी से दिसंबर यही 12 महीने इनके खर्चे रिकॉर्ड करूंगा। अगर आप इसकी वजह से देखें तो आपने जनवरी से दिसंबर तक जो 12 महीने होते हैं उसमें मैंने सैलरी कितनी पे करी है, 11 मंथ की, नवंबर तक की पे करी, दिसंबर की तो भी पे ही हुई और मेरी बुक्स क्लोज हो गई। यहाँ पर आपकी बुक्स क्लोज हो जाएगी क्योंकि 12 महीने यहाँ पर आपके खत्म हो जा रहे हैं और आप यहाँ पर चेक करेंगे कि दिसंबर की तो भी सैलरी पे ही है, तो आप सैलरी कितने की रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ 11 महीने की रिकॉर्ड कर बैठेंगे। मगर मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है ना 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 ना, 11 महीने की तो रिकॉर्डिंग हो सकती है, रिकॉर्ड कितने महीने की करनी है, 12 महीने की। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है 12 महीने की रिकॉर्ड करो तो करनी पड़ेगी, तो 12 महीने की ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आपको, मगर आपने पे तो 11 महीने की करी है और जो एक महीना आपका दिसंबर बच रहा है उसकी सैलरी तो अभी आपने पे ही नहीं करी। मगर मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि आपको 12 महीने की रिकॉर्डिंग करनी है, भले वो आपने पे करे हो भले ना पे करे हो, आप अभी नेक्स्ट मंथ को उसको पे करोगे नेक्स्ट ईयर में, तो वो जो आपका एक महीना अभी अनपेड है आप उसको भी कंसीडर करोगे। आपने रिकॉर्डिंग 12 मंथ की करनी है जिसमें 11 महीने की आपकी पेड हो चुकी है और जो एक महीने की अनपेड है उसको किस नाम से रिकॉर्ड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। तो आप जो सैलरी 11 महीने की तो सीधी आपने पेड करी हो तो वैसे भी रिकॉर्ड होंगी थी, और एक महीने की आप आउटस्टैंडिंग के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे, किस नाम से रिकॉर्ड कर दोगे कि आउटस्टैंडिंग है, देनी है, नेक्स्ट मंथ चली जाएगी मगर अभी आउटस्टैंडिंग है। मगर जो मैं अकाउंटिंग करूंगा बुक्स में वो 12 मंथ की करूंगा, इसमें 11 महीने पेड होगी और एक महीने की आपकी आउटस्टैंडिंग है। सेम रूल इनकम पर भी लगता है कि अगर आपकी कोई इनकम है जो आपको 11 महीने की रिसीव हो चुकी है, एक महीने की अभी होनी है मगर ईयर एंड हो गया, तो फिर भी मैं उसको इंक्लूड करूंगा एक्रूड इनकम के नाम से या आउटस्टैंडिंग इनकम के नाम से, कि वो मेरे को भी रिसीव होनी है, नेक्स्ट मंथ हो जाएगी, इस साल नहीं हो पाएगी। ठीक, तो मगर मेरे को क्योंकि 12 महीने की रिकॉर्डिंग करनी है मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से, तो मेरे को वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जितने मेरे खर्चे चढ़ाए उतने मेरे की इनकम चढ़ाओ। कई जगह ऐसे इशू आते हैं तो वहां पर हम यही करते हैं कि आउटस्टैंडिंग के नाम से जोड़ के उसमें 12 महीने की ही अकाउंटिंग करेंगे, 11 महीने की नहीं करेंगे। आपने खर्चे नहीं पे करे कोई बात नहीं, फिर भी आप रिकॉर्ड कर दो उसको इसी साल में जिस साल का वो खर्चा है, ना कि अगले साल। ऐसा नहीं करेंगे कि पेड तो अगले साल करना है तो अगले साल रिकॉर्ड करें, नहीं, इसी साल रिकॉर्ड करो जिस साल में आपने वो एक्सपेंस एक्चुअल में एडजस्ट कर। क्लियर होने की बात, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से देखिएगा कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू।